I am Dr. Jessie John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Today we are discussing the anatomy of the pharynx. So after the session, if you have any query, any doubt, please mention it in the comment box and it will be resolved very soon. Pharynx is a funnel-shaped fibromuscular tube that is extending from the base of the skull to the esophagus. It is lined throughout with mucous membrane. The pharynx acts as a common channel for the food and air. Measurement: it has a length of 12 to 14 centimeter and it is a width of 3.5 centimeter at its base and 1.5 centimeter at pharyngo-esophageal junction. Location: it is situated behind the cavity of the nose, mouth, and the larynx, with it is communicates. तो pharynx एक fibromuscular tube होता है जो जिसका extension होता है base of the skull से esophagus तक. इसके अंदर एक lining होती है जो mucous membrane की होती है और ये food and air दोनों ही इसके अंदर इस tube के अंदर जाता है. Measurement इसके जो length होती है 12 to 14 centimeter होती है और जो इसकी विड्थ होती है 3.5 सेंटीमीटर जो बिगनिंग पे होती है और जो जंक्शन होता है फेरिंगोएसोफेजियल जंक्शन वहां पे 1.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होती है. लोकेशन की बात करते हैं तो ये नोज माउथ लैरिंग्स के जस्ट पीछे होता है. इसी के कारण जो फेरिंग्स है थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. नोज के पीछे वाले पार्ट को हम फेरिंग्स बोलते हैं एंड जो माउथ के पीछे जो पार्ट है जो ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इसके पीछे जो फेरिंग्स का पार्ट है उसको ऑरोफेरिंग्स बोलते हैं. और वहीं जो लैरिंग्स के जस्ट बिल्कुल पीछे की तरफ जस्ट अपोजिट सिचुएटेड होता है इस फेरिंग्स के पार्ट को हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं. बाउंड्रीज की बात करते हैं तो सुपीरियर पोर्शन में बेस ऑफ द स्कल दैट इज including the posterior part of the body of the sphenoid and basilar part of the occipital bone in front of the pharyngeal tubercle. तो ये जो दो parts हैं जो bone की structure ये superior इसकी boundary बनाते हैं. inferior की बात करें तो continuous with the esophagus at the level of the lower border of the cricoid cartilage anteriorly and lower border of the C6 vertebra posteriorly. यहाँ पे जो लेवल होता है इसका इसोफेगस को कंटिन्यूस करती है इंटीरियरली और जो अलग अलग लेवल है इसके एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली. पोस्टीरियर पार्ट में देखते हैं तो प्री वर्टिबल फेशिया होता है जो सर्विकल स्पाइन के इन फ्रंट ऑफ सिचुएटेड रहता है. पेरिंग सेपरेटेड फ्रॉम दिस फेशिया फ्रॉम द लूज कनेक्ट एरियोलर टिश्यू जो कि फेरिंग्स को अलाउ करता है स्लाइड करने के लिए जो इस फेशिया पर स्वॉलिंग करने के दौरान फेरिंग्स को जिस फेशिया पर फ्रीली स्लाइड कर सकती हैं. एंटीरियरली ये नेजल कैविटी होती है इसमें और माउथ एंड लैरिंग्स थ्री पार्ट्स होते हैं. लेटरल अगर देखते हैं जो न्यूरोवेस्कुलर मंडल ऑफ द नेक एंड स्टाइलोइड प्रोसेस विद इट अटैच्ड मस्कुलर एंड लिगामेंट. न्यूरोवेस्कुलर जो मंडल होता है नेक का वो स्टाइलोइड प्रोसेस होता है जिसपे मस्कुलर कुछ लिगामेंट्स का अटैचमेंट होता है. तो ये सारी इसकी बाउंड्रीज है और इसके अकॉर्डिंग कुछ रिलेशन भी इसमें दिए हुए हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका एक्सटेंशन. अब वही सब डिवीजन की बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ इसको तीन भागों में डिवाइड किया है. अगर नोज के बिहाइंड है तो नेसोफेरिंग्स बोलते हैं, ओरल कैविटी के बिहाइंड है तो ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, लैरिंग्स के पीछे वाले पार्ट को हम लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं. ये हमें दिखाई दे रहे हैं नोज जस्ट सबसे हम ऊपर का पार्ट देखते हैं इसको नेसोफेरिंग्स और ये ओरल कैविटी के जस्ट पीछे इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंग्स के पीछे वाले पार्ट को हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स. अब सबसे पहले नेसोफेरिंग्स की बात करते हैं. नेसोफेरिंग्स ये सिचुएटेड होती है नेसल कैविटी एंड सॉफ्ट पैलेट की अबव होती है. बाउंड्रीज की बात करते हैं रूफ फॉर्म्ड होता है बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड एंड बेसिलर पार्ट ऑफ द ऑक्सिपिटल बोन. तो इसका फॉर्मेशन होता है सॉफ्ट पैलेट से एंड फेरिंजियल इस्थमस से. एंटीरियर वॉल फॉर्म्ड होता है पोस्टीरियर नेजल एपरेटस दैट इज सेपरेटेड बाय द पोस्टीरियर एज ऑफ नेजल सेप्टम
एंड पोस्टीरियर वॉल इसका बना हुआ होता है, ये कंटिन्यूस स्लोपिंग सरफेस बनाती है रूप से इसकी पोस्टीरियर वॉल, एंड लेटर वॉल में होती है मीडियल पेरिगोइड प्लेट ऑफ स्फेनॉइड। नेसोफेरिंग से कुछ फीचर्स होते हैं, सबसे बात पहले बात करते हैं नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल। ये जो मेकस मेम्ब्रेन जो होती है रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेसोफेरिंग्स, इसके जंक्शन पे जो मेकस मेम्ब्रेन होती है उसके नीचे एक लिम्फोइड टिश्यू का कलेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल। दूसरी बात करते हैं ओरिफाइस ऑफ द ऑरिटल टू, ये जो लेवल होता है हमारा इन्फीरियर नेसल कोन का या इन्फीरियर जो नेसल जो टर्मिनेट होते हैं उसके लेटरल वॉल पे लाई करते हैं ये। एंड फेरेंजियल रिसेस की बात करते हैं कि डीप डिप्रेशन होता है बिहाइंड द ट्यूबल एलिवेशन, इट इज कॉल्ड फेरेंजियल रिसेस। अब हम बात करते हैं ओरोफेरिंग्स की, जस्ट पीछे का पार्ट होता है ओरल कैविटी में जो कि एक्सटेंड करता है लोअर सरफेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट से और ये अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस जो कैटेगरीज होता है वो बिलो वहाँ तक इसका एक्सटेंशन होता है। बाउंड्रीज की बात करते हैं कि रूफ इसका फॉर्मेशन होता है सॉफ्ट पैलेट से एंड फेरेंजियल स्टोमस से इसका रूफ का फॉर्मेशन होता है, वहीं फ्लोर का फॉर्मेशन होता है जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ द टंग का उससे, और जो टंग एंड एपिग्लोटिस होता है उसके बीच का इंटरवल जो पोर्शन होता है उसे फ्लोर का फॉर्मेशन होता है। एंटीरियर वॉल बात करते हैं तो इनकम्प्लीट होता है एंड इसका फॉर्मेशन होता है ओरोफेरिंजियल स्टोमस एंड फेरेंजियल पार्ट ऑफ द टंग। पोस्टीरियर वॉल की बात करते हैं तो ये बॉडी ऑफ द सर्विकल जो वर्टिब्रा है सेकेंड वाला एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द सी3 वर्टिब्रा। लेटर वॉल ईस्ट साइड सपोर्टेड रहता है टेरिगो मैंडिबुलर रेफे एंड मैंडिबुलर टंग हायर्ड मॉर एंड जहाँ पे ओरोफेरिंग से कॉमन पाथ प्रोवाइड करता है फूड एंड एयर के लिए। ओरोफेरिंग्स के फीचर्स ये हैं, ओरोफेरिंग से लेटरल वॉल जो प्रेजेंट करता है इसमें पैलेटाइन टॉन्सिल जो कि दोनों साइड पे रहता है और इंटीरियर वॉल जो प्रेजेंट करता है वो लिंगुअल टॉन्सिल और जो अपर फ्री एंड ऑफ द एपिग्लोटिस जो कि टंग के पीछे रहता है, मीडियन एंड लेटरल ग्लोसो एपिग्लोटिक फोल्ड्स एंड एपिग्लोटिक वेलिकुले। तो ये ओरोफेरिंग्स के कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो ओरोफेरिंग्स में सिचुएटेड रहती है। लैरिंगोफेरिंग्स की बात करते हैं, ये बिहाइंड द लैरिंजियल इनलेट, ये जस्ट पीछे रहती है लैरिंजियल इनलेट के और जो पोस्टीरियर वॉल है लैरिंग्स के उसके पीछे की रहती है और इसका एक्सटेंशन होता है अपर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिस टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द एपिग्लोटिक कार्टिलेज एंड लोअर बॉर्डर ऑफ द C6 वर्टिब्रा जो एंटीरियरली थोड़ी ऊपर होती है और पोस्टीरियरली थोड़ी पीछे होती है। तो जो ब्रेकोइड कार्टिलेज है उसके लोअर बॉर्डर एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली जो C6 वर्टिब्रा है उसके लोअर बॉर्डर के तक इसका एक्सटेंशन रहता है। ये कम्युनिकेट करती है लैरिंजियल कैविटी से थ्रू लैरिंजियल इनलेट से एंड फिरली इसोफेगस से कम्युनिकेट करती है फेरिंगो इसोफेगल जंक्शन पे। बाउंड्रीज इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी जो बाउंड्री होती है एंटीरियर वॉल उसका फॉर्मेशन होता है लैरिंजियल इनलेट से एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लैरिंग्स। तो पोस्टीरियर वॉल होता है इसका फॉर्मेशन होता है फोर्डीज ऑफ द सर्विकल जो वर्टिब्रा है C3 C4 C5 एंड C6 वर्टिब्रा से और लेटर वॉल जो सपोर्टेड होता है थायरॉइड कार्टिलेज एंड थायरोहायोइड मेम्ब्रेन से। फीचर्स हैं, एंटीरियर वॉल प्रेजेंट करता है लैरिंजियल इनलेट को एंड बिलो द दिस इनलेट दैट इज सपोर्टेड बाय द क्रिकोइड एंड एरिथ्रोइड कार्टिलेज एंड लेटर वॉल प्रेजेंट करता है पेरिफॉर्म फोसा जो कि लैरिंजियल के इनलेट के दोनों साइड में प्रेजेंट रहती है। तो ये था हमारा पोर्शन, यहाँ तक हम लैरिंग्स को यहीं पे यहीं तक का पार्ट हम कंप्लीट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द लैरिंग्स सॉरी फेरिंग्स और बाकी का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे। तो अभी आपके कोई डाउट्स एंड इंक्वायरी देन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स एंड इट विल बी रिसॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।